तो इस वक्त की बड़ी खबर रामगढ़ से। कांग्रेस नेता कमलेश नारायण शर्मा हत्याकांड का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि हत्या में शामिल चार हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल लोहे के रॉड को भी पुलिस ने बरामद किया है। 15 अक्टूबर को घर में घुसकर बदमाशों ने हमला किया था। रामगढ़ से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कमलेश नारायण शर्मा हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने चार हत्यारों को गिरफ्तार किया है। तो हत्या में इस्तेमाल लोहे के रॉड को भी पुलिस ने बरामद किया है। 15 अक्टूबर को घर में घुसकर बदमाशों ने हमला किया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महावीर, 15 अक्टूबर को कांग्रेस नेता पर हमला किया था और कुछ बदमाशों ने, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जी, दो दिन के अंदर ही पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। आपको बतला दूं कि कमलेश नारायण शर्मा हैं, जो कांग्रेसी नेता भी हैं और सारा इंडिया के मैनेजर भी हैं। ये अपने घर में सो रहे थे अपनी पत्नी के साथ में। सीसीएल का क्वार्टर है सेंट्रल सोंदा में। उसी समय रात में जो अज्ञात अपराधी लोग हैं वो घुसकर उसकी हत्या कर दी थी, रड से मारकर। और हत्या के बाद 16 तारीख को एसपी प्रभात कुमार ने वहाँ घटनास्थल का खुद दौरा किया था और उस खुलासे और पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया था, जिसमें पतरातू के एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। उसके बाद दो दिन के अंदर चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उसमें विजय चौधरी, राजा चौधरी के अलावा राम आगम और राहुल कुमार शामिल है। इन लोगों का जो आपराधिक इतिहास पुराना है, एसपी ने जो जानकारी दी है पत्रकारों को, उसके अनुसार ये चारों किसी केस में मृतक जो जिनको जिनकी हत्या की गई थी, कमलेश नारायण शर्मा, पूर्व में इन लोगों को एक पुलिस को सूचना देकर इन लोगों को जेल भेजवाने का काम किया था। बदले की भावना से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और पुलिस ने जिस जो प्रयुक्त किया गया रड है जिससे मारकर उसकी हत्या की थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। क्या कारण बताया जा रहा है, बदमाशों ने क्यों हमला किया था कांग्रेस नेता पर? अपराधियों, जो चारों अपराधी हैं, इनका इतिहास बहुत पुराना है। ये कई बार जेल भी जा चुके हैं। इसमें से एक अपराधी जो है विजय चौधरी, वो हत्या के केस में भी जेल जा चुका है और इसको सजा भी हुई थी। अभी हाल ही में ये जेल से निकला है। और एक पुराने मामले में कमलेश नारायण शर्मा ने ही पुलिस को जो सूचना देके इसे जेल भेजने का काम किया था, उसी का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उनका उनकी कमलेश नारायण सिंह जी, महावीर, तो बदले की भावना के साथ उन पर हमला किया गया था। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या में इस्तेमाल लोहे के रॉड को भी बरामद किया है और चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कुंडा ओपी क्षेत्र में एक आदमी की हत्या हो गई है। जब पुलिस तफ्तीश की तो उसमें पता चला कि 15-16 की इंटरवीनिंग नाइट में एक आदमी अपने क्वार्टर में सोए हुए थे अपनी पत्नी के साथ, तो उस आदमी की हत्या कर दी गई थी और उस वारदात के समय उनकी पत्नी भी जख्मी हो गई थी। इसके बाद एसडीपीओ पतरातू के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन करने के लिए। तो ये इस कांड में कुल चार आदमी शामिल थे, चारों की गिरफ्तारी हो गई है। इस कांड में प्रयुक्त किए गए एक सावल, जो लोहे का मोटा रड है, और एक लोहे का पतला रड है, उसको भी बरामद किया गया है। और इसके इस वारदात के पीछे जो कहानी आ रही है कि इस कांड के जो अक्यूज्ड हैं वो पहले भी जेल जा चुके और उनका हिस्ट्री बहुत क्रिमिनल रहा है। तो ये जिस आदमी की हत्या हुई है उस अक्यूज्ड को किसी एक केस में पुलिस को सूचना दे के अरेस्ट करवाए थे और इसी से खुन्नस में इसने रिवेंज के रूप में ये हत्या का घटना किया है। थैंक यू। सूचना में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।